सो हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हो हैरी टेक एंड ब्लॉग्स चैनल। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों का बिल्कुल एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने स्लो लो एंड पीसी को बिल्कुल फास्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप्स हैं, बिल्कुल फ्री स्टेप्स हैं। ठीक है, कोई भी आपको एक रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जो भी होगा आपके कंप्यूटर के इन में ही होगा। ठीक है, तो शुरू करते चले बिना टाइम वेस्ट करें अपने ट्रिक को। और उससे पहले गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। और अब आगे हमारा कैंपेन बढ़ चुका है 300 सब्सक्राइबर्स की तरफ, तो चलते बढ़ते हैं हमारे वीडियो में और आगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपको करना है अपने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। उसके लिए आपको जाना है नीचे टास्क मैनेजर पर, राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर को खोल लेना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको उसके पहले जरा फॉलो कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ये ऊपर स्टार्टअप्स आ दिख रहा है, स्टार्टअप्स में आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद में जितने भी ऐप्स हैं सबको डिसेबल कर देना है। गाइज, अब आपको डिसेबल क्यों करना है, ये सारे वो ऐप्स हैं जो आपके पीसी के स्टार्ट होते ही अपने आप बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाते हैं और आपके हैंड्स आपके जो पीसी होता है उसको बहुत ज़्यादा स्लो बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए स्टार्टअप इम्पैक्ट हाई दिखा रहा है, ये जो भी माल ये दो तीन मालवेयर आ गए थे मेरे पीसी में जो कि मैंने डिसेबल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको अब कहीं नहीं प्रोसेसेस में आ जाना है। और एक मैं आपको बताऊंगा सबसे इजी और सबसे बढ़िया स्टेप जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप लोगों को फिर से प्रोसेस में आ जाना है। और प्रोसेस में आकर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहना है और नीचे जो विंडोज एक्सप्लोरर दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करके इसको कर देना है रीस्टार्ट। ठीक है, इसको जैसे ही आप रीस्टार्ट कर दोगे ना, आपका जो भी जितना भी मतलब अंदर सिस्टम है वो सब दोबारा से सही हो जाएगा, मतलब एकदम से एकदम रिफ्रेश हो जाएगा बढ़िया तरीके से। और एक बार और कर देता हूँ मैं, चलिए इसको रीस्टार्ट। तो देखिए डिस्क पे जो है वो लोड मात्र 5% है। ठीक है, 7% है, 8% ऐसे बढ़ता रहेगा, लेकिन आपकी 50 से कम ऊपर नहीं जाएगा और बहुत ही मतलब देखिए 10 से ऊपर में फिफ्ट तो बहुत बड़ा कह दिया मैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो है माई कंप्यूटर का जो डिस्प्ले आपके में होगा आपको उसको खोल लेना है। ठीक है, ये देखिए मैंने ओपन कर लिया डिस्प्ले को। उसके बाद आपको इस पर कर देना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। और गाइस, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद में आपको यहाँ चेंज सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। अब चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको एडवांस में आ जाना है, और एडवांस में आकर फिर से आपको एक दफ़ा यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस में नहीं आना है, आपको यहाँ विजुअल इफेक्ट करना है। बहुत लोग एडवांस बता के आपकी रैम बढ़वा देते हैं, लेकिन गाइस मैं रैम नहीं बढ़वाऊंगा, क्योंकि रैम आई थिंक आपकी जो इन सिस्टम होते हैं वही सही रहती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, तो इससे क्या है आपके पीसी की परफॉर्मेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप लेट विंडोज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा। ठीक है, तो देखो आप लोग कैसे ये चेंज हो चुका है, ओके कर दिया है। ठीक है, और आप चाहो तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा रीस्टार्ट कर लो फिलहाल, तो मैं रिकॉर्डिंग चली तो मैं रीस्टार्ट नहीं मारूंगा अभी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको या तो आप विंडोज़ की प्लस आर दबा दो, आपको रन टैब ओपन कर लेना है। और यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है परसेंटेज और ओके दबा दें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे में तो खाली दो ही फाइल शो हो रही है, लेकिन आप लोगों में भंडार शो होगा पूरा है, भंडार शो होगा। ठीक है, तो पूरा भंडार आपको सेलेक्ट और कर लेना है कंट्रोल पर जी करके, और कंट्रोल पर जी करके आपको डिलीट कर देना। ठीक है, हो गया डिलीट, ये तो था आपके में बहुत ज़्यादा शो होगा, मेरे में भले ही इतना शो रहा है लेकिन आप लोगों के में बहुत ज़्यादा शो होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक बार फिर से ये प्रोसेस अपनाना है। ये है हमारा स्टेप, आई थिंक स्टेप 4 बता रहा हूँ आपको, स्टेप 5 जो भी है, आपको फिर से एक बार ये प्रोसेस करना है विंडोज़ की प्रकार। और इसके इस बार आपको टेम्प फाइल्स डालना है, टेम्प फाइल्स। ठीक है, अब ये देखिए ये मैंने थोड़े हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा होंगे अगर आप लोगों ने अब तक नहीं करा, इसको भी आपने फ्लैट ऑन कर लिया और आप कंप्यूटर से डिलीट कर दिया। ठीक है, ये हो गए हमारे स्टेप 4। अब स्टेप 5 रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर दो, लेकिन अगर आपका कुछ उसमें काम का नहीं है तो आप इसको एम्प्टी कर दो। ठीक है, इससे क्या है आपके पीसी का लोड बिल्कुल कम हो जाता है और आपकी रैम भी फ्री हो जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से एक बार रन टैब खोल लेना है, और रन टैब खोलने के बाद आपको डालना है क्लीन MGR, और अब आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट कर उसको सिलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है। और यहाँ पे ये थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि ये अभी आपका देखिएगा कि कितने आपके डिस्क में स्पेस बढ़ानी है। हाँ, अब देखिए गाइस, यहाँ पे आपको देख लेना कितना ज़्यादा ये होने वाला है, रिसाइकल बिन तो कुछ नहीं है, टेम्पररी फाइल्स आपको सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे,
हमने सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स से कुछ नहीं, टेम्प्ररी इंटरनेट फाइल का सबसे ज़्यादा जो डेंजर है वो यही होता है, टेम्प्ररी इंटरनेट फाइल्स। ये आपकी रैम को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, सॉरी हार्ड तो बताइए हर्ट जरूर होती है। विंडोज़ एरर रिपोर्ट्स एंड फीडबैक ये भी सिलेक्ट कर लो आप लोग, बढ़िया रहेगा। और अब कुछ नहीं करना है, अब तक आपको यहाँ पे ओके कर देना है, डिलीट फाइल्स। और ये देखिए क्लीनिंग अप सी ड्राइव, क्लीन अप सी ड्राइव कर देगा। और इसी के साथ जो आपका पूरा सिस्टम है, मेरे को 101% ये उम्मीद है कि वो स्पीड अप हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई देर इस बात की प्रोडक्ट और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये वीडियो होता है यहीं पर खत्म, मिलते हैं आपसे ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।